सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और इस समय जो तैयारी चल रही है ना, बहुत ऊंचे लेवल की तैयारी चल रही है, बहुत बहुत ऊंचे लेवल की तैयारी चल रही है। और जितना हम यहाँ पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तैयारी हमारे बैकएंड के पीछे चल रही है। जी हाँ, हमारे बैकएंड पे पूरी इस लेवल की तैयारी चल रही है कि आपकी जो सफलता है वो आप अपने, जब हमारा ये पूरा का पूरा मार्केट में उतर जाएगा ऑन पैसिव, तो एक साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक साल, जी हाँ, एक साल के अंदर, दो साल के अंदर, यानी कि अगले, अगर हम पांच साल की बात करें तो हमारा अगले पांच साल बहुत बड़ा एक भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बहुत बड़े लेवल की तैयारी चल रही है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर हम किस लेवल पर हमारे एस मुफारिसर हमको ले जाना चाहते हैं, पहली चीज। उसके बाद ये बिजनेस हमारा नहीं है, ये बिजनेस हमारा नहीं है, ये बिजनेस हमारे आने वाली पीढ़ी का भी है। ये बिजनेस हमारा ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी बिजनेस है। तो आपको खुद ये सोचना समझना पड़ेगा कि अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपको इनकम चाहिए, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन अगर आपको इनकम लेके जानी है, अपना बिजनेस लेके जाना है, तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जो तैयारी हो रही है ना, ये एक नॉर्मल तैयारी नहीं है, ये कोई शादी ब्याह की तैयारी नहीं है कि बस एक ही रात में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन हमें जाना है। यहाँ पर एक इस टाइप की लेवल की तैयारी चल रही है कि आपकी आने वाली जो पुस्तकें होंगी वो भी आपको याद रखेंगी। तो ये जो तैयारी है ना, ये जो प्रिपरेशन है, यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। ये सफलता की सबसे पहली निशानी है हमारी यही वाली। इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल की, जिस तरीके से इंडिया को इस मोदी सरकार ने जो है डिजिटल बनाने का जो मुहिम निकाला था, उसी तरीके से दुनिया को डिजिटल बनाने का एक मुहिम ऑन पैसे निकाल चुकी है। और वास्तव में हम सब लोग फाउंडिंग मेंबर्स मिल करके ये पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। अभी तो कमर्शियलाइजेशन बहुत बाकी रह गया है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इस पूरी दुनिया को हम पूरा का पूरा डिजिटल बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो आने वाले जो प्रोडक्ट है वो आपको पता ही है वो किस टाइप के हैं। तो डिजिटल बिजनेस आने वाले वक्त का बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस आने वाले वक्त का भविष्य है। इसलिए आज नहीं तो कल बहुत सारे लोगों को डिजिटल होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बहुत सारे लोगों को डिजिटल होना पड़ेगा। बहुत सारे तो छोड़िए, हम सबको डिजिटल होना ही पड़ेगा। अगर हम डिजिटल नहीं होते हैं, अगर हम डिजिटल तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं, अगर हम डिजिटल तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे, लेन देन नहीं कर पाएंगे, अगर अपना प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, अगर हम इधर से उधर जो है डिजिटल तरीके से अपना करेंसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारा हमारा लॉस होगा। किसका? समय का। और समय ही धन है, टाइम इज मनी, आपको पता ही है। सो यहाँ पे समय का बहुत सारा लॉस होगा, और समय को अगर आपने वैल्यू दी तो ये समय आपको आने वाले वक्त में वैल्यू जरूर देगा। तो यहाँ पे जो डिजिटल बनाने की तैयारी की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन एस मुफारिसर के दिमाग के अंदर घूम रहा है कि वो इसको पूरी तरीके से जो है डिजिटल क्यों बनाना चाहते हैं, और डिजिटल तरीके से क्यों लोगों के घरों के अंदर इनकम पहुंचाना चाहते हैं। बिकॉज ही नोज वेरी वेल दैट द पावर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि पावर है इस इंटरनेट के अंदर। ये ऊपर जो तरंगे घूम रही हैं, एक तरंग यहां से निकलती है, झट से हम नंबर डाल करते हैं, झट से वहां पे घंटी बज जाती है। ये जो तरंगे घूम रही है ना, इन तरंगों में ही पैसे घूम रहे हैं, इन तरंगों में ही जो है हमारे नंबर घूम रहे हैं, इन तरंगों में ही हमारी बातें घूम रही हैं, इन तरंगों में ही हमारी मूवीज घूम रही हैं, इन तरंगों में ही हमारे बहुत सारे फोटोज, वीडियोज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे घूम रही हैं। अभी मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं, तो ये तरंगे ही होती हैं जो आपके पास झट से एनालॉग सिग्नल में जाती हैं, और तुरंत ही आपके उस डिवाइस के अंदर डिजिटल फॉर्म में बदल जाती हैं। जब ये सेंड की जाती हैं तो ये एनालॉग सिग्नल होता है, और जैसे ही आपके डिवाइस के अंदर पहुंच जाती हैं फिर ये डिजिटल सिग्नल में बदल जाती हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल दुनिया, डिजिटल बिजनेस। तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से हो रही है, एंड उज्ज्वल भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारा भविष्य कहीं पर भी सेफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन पैसे के अंदर हमारा भविष्य 110% सुरक्षित है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हम एक फ्रॉड कंपनी के अंदर नहीं है। और फ्रॉड कंपनी कौन सी होती है, फ्रॉड कंपनी एक रियल कंपनी कौन सी होती है, उसके बहुत सारे आपको कारण या बहुत सारे सिम्टम आपको जो आसानी से पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बात परेशान करती है,
कोई भी बात अगर आपको परेशान करती है आपके मन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को हमेशा सोचना, सिर्फ एक बात को। वो कौन सी बात है? वो ये है कि हम एक रियल कंपनी के अंदर हैं या नहीं है, एक जेन्युइन कंपनी के अंदर हैं या नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हम एक जेन्युइन कंपनी के अंदर हैं, रियल कंपनी के अंदर हैं, हम सब लोग यहाँ पे बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर चाहे देर कितनी भी हो जाए, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकम आएगी तो बस आएगी। सिर्फ और सिर्फ डरना है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड लोगों से, फ्रॉड कंपनी से, बस। इसके अलावा और कोई भी बात अपने माइंड में किसी भी टाइप की लानी ही नहीं है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो जिस लेवल की मार्केटिंग की जो तैयारी ऑन पैसिव ने की है, वो एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी तैयारी है। जितनी बड़ी मार्केटिंग की तैयारी ऑन पैसिव ने की है, अपने लॉन्चिंग से पहले ही पूरी दुनिया को उसने हवा लगा दी है कि हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ और हमसे मुकाबला करने के लिए जो है अपनी तैयारी पूरी कर लो। पूरे जंगल में जो है एक जैसे आग फैल जाती है, उसी तरीके से पूरी हवा फैल चुकी है चारों तरफ कि ऑन पैसिव आ रही है। और यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केटिंग चल रही है, उस हिसाब से बच्चे को पता चल गया है ऑन पैसिव के बारे में। तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट सभी लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। कस्टमर इसी मार्केटिंग से कस्टमर लाएंगे, और यही एक सबसे बड़ा एक हमारा क्या है, ग्राहक भगवान होता है, और भगवान के साथ हम किसी भी तरीके का जो है दगा नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी एक व्यक्ति आता है तो वो ग्राहक बन के आता है और ग्राहक देवता के रूप में होता है, और इसलिए हम उसको यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से लाना चाहते हैं और उसको वो देना चाहते हैं अपने कस्टमर के लिए जो उसकी जरूरत की चीज है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल दे, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दे। तो इसलिए लोग यहाँ पे दबा के आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की जा रही है, और इसलिए बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि जब उनको एक प्रॉब्लम अपनी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी तो वो 10 लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ जब वो यहाँ पे आएंगे तो अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ से वो अगर चाहे तो इनकम भी कमा पाएंगे, या फिर यहाँ पे जो रेफरिंग वाला जो सिस्टम हो उससे। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी एक पंथ दो काज, ऐसा आप कह सकते हैं, एक पंथ दो काज आप कह सकते हैं ऐसा, कि यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट करेंगे, प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे, प्लस इसके साथ साथ अगर उनको रेफर करके इनकम कमाने का मौका मिलता है तो ये उनके लिए एक पंथ दो काज वाला हिसाब हो जाता है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम भी हमारी तैयार हो रही है, एक पे स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा जो कि यूनिक होगा, पूरी दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जब कोई भी एक प्रोडक्ट फेमस होगा इस दुनिया के अंदर, तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज फेमस हो जाती है तो वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसको बनाने में जितना समय लगता है ना, उसके बाद इनकम कमाने में उतना ही कम समय लगता है। एक बार कोई चीज ब्रांड बन जाती है ना, उसके बाद इनकम कमाने में समय नहीं लगता। ब्रांड बनने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अगर आज आपका फोन लेने का मन करे, एक मनपसंद हाई क्वालिटी का फोन लेने का मन करे, और आपके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं, आपके पास लाख दो लाख का बजट भी है, ले सकते हो, तो सीधे आप आईफोन पे ही जाओगे। इसके अलावा ये नहीं है कि आईफोन से बेटर फोन नहीं है, आईफोन से फोन जो है बेटर फोन है, लेकिन क्या है, आईफोन ने, एप्पल ने अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू दी है और आज दबा के पैसा कमा रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक सबसे बड़ा बिजनेस का फंडा होता है, असंभव काम को संभव करना ऑन पैसिव ने सिखा दिया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वह करके दिखा दिया है। और आने वाले टाइम के अंदर देखना कि और भी ऐसे काम होंगे जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्या किसी ने आज तक मेट्रो स्टेशन बनाया? इतनी सारी आईटी कंपनियां चल रही हैं, दुबई के अंदर पहले से सैकड़ों जो है कंपनियों के मालिक बैठे हुए हैं, क्या किसी में ताकत थी कि मेट्रो स्टेशन बनवा दे? नो, ये ऑन पैसिव था जिसने असंभव काम को संभव करके दिखाया। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे का राज तो सिर्फ एस मपारे सर ही जानते हैं, हमारे बस की बात नहीं है और ना ही हमें कुछ जानना है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी तैयारी जो हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी तैयारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ इसलिए हो रही है कि तैयारी करके छोड़ देंगे? नहीं, जब तैयारी बड़ी होती है तो उसके पीछे सफलता भी बहुत बड़ी होती है।
जी हाँ, अभी मैंने आपको एक ब्रांड वैल्यू का जो एक एग्जांपल दिया था, यही एक सबसे बड़ी चीज होती है। जितनी बड़ी तैयारी होगी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। तो यहाँ पे एक बात कही भी जाती है, तैयारी जितनी अच्छी होगी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो यहाँ पे जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपकी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। सो यहाँ पे इतनी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, ये सिर्फ एक शादी ब्याह की तैयारियां नहीं है, ये आपके भविष्य को, आपकी आने वाली जनरेशन को, आपकी और उससे आने वाली जनरेशन को, यानी कि 7th जनरेशन तक को सिक्योर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। सो यहाँ पे पहली बार आपके लिए कंपनी काम कर रही है, तैयारी कर रही है। आज तक आपने बहुत सारा काम किया होगा अलग अलग कंपनियों में, तो सारी तैयारी आपने की होंगी, सारी तैयारियां और सारा काम आपने ही किया होगा, और जितने भी ग्राहक होंगे या जितने भी लोग होंगे उनको सबको आपने ही जोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि कंपनी आप लोगों के लिए जो है तैयारी कर रही है। इसलिए वी आर सो लकी एज ए फाउंडिंग मेंबर। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कोई भी चुपचाप नहीं बैठा है यहाँ पे, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है बैकेंड के पीछे, बस थोड़ा सा समय आने दीजिए। और 1 अप्रैल को जो हमारे एस मुफारिसर ने एक बिग अनाउंसमेंट या हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट के बारे में जो कुछ कहा है ना, उसको भी देख लेंगे। हो सकता है कि तभी कुछ और चीजें जो है सामने निकल के आए। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, सेहत का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है, बरसात का मौसम है और लोगों की तबीयत आपको पता ही है कि किस तरीके से खराब हो रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सोनेट टू विनेट।